नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पटना में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी कर रही नफरत की राजनीति, कांग्रेस करती है जोड़ने का काम। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, एक दूसरे को ये लोग पसंद नहीं कर रहे, चाहते हैं कि जनता इनको पसंद कर ले। दमोह में युवती से लव जिहाद मामले पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कर्नाटक के उमर फारूक के खिलाफ बच्ची ने दर्ज कराई है शिकायत, प्रियंका वाड्रा से अनुरोध, मध्यप्रदेश की बेटी को न्याय दिलाएं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर वचन पत्र समिति की बैठक, कमलनाथ का बयान अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ तैयार। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले कमलनाथ, बीजेपी छोड़ने की बुलेट ट्रेन चल रही, एक भी ऐसा जिला नहीं जहां बीजेपी नेता परेशान न हो। पोस्टर लगाने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक किसी ने नहीं उठाई उंगली, अगर भ्रष्टाचार किया है तो 3 साल से बीजेपी सत्ता में है, कार्रवाई क्यों नहीं की। भोपाल में टीम विद कमलनाथ इंस्टा आईडी पर बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर, न्यूज चैनल के मोनो के दुरुपयोग का आरोप, क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ मामला। कटनी में बीजेपी को लगा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 2 बीजेपी नेता, पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और शंकर महतो ने थामा हाथ का साथ। सागर की घटना पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सरकार ने मामले की जांच के दिए हैं निर्देश, जो भी दोषी होगा पक्षा नहीं जाएगा। दिग्विजय के सागर दौरे पर नरोत्तम मिश्रा का वार, बोले दिग्विजय राजनीतिक रोटियां सेकने का कर रहे हैं काम, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दे चुके स्पष्टीकरण, टूटे मकान फिर से बनाए जा रहे हैं। गुर्जर समाज के सम्मेलन पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस को 15 महीने में सब लोग आजमा चुके, कांग्रेस ने गरीब किसान बेरोजगारों के साथ किया धोखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, बलिदान दिवस के रूप में मना रही बीजेपी, सीएम शिवराज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे कमलनाथ के पोस्टर, कमलनाथ को पोस्टर में बताया गया वांटेड, पोस्टर में घोटालों का जिक्र। भोपाल में लगे कमलनाथ के पोस्टर को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की चाल, के मिश्रा का बयान, हमें नहीं पोस्टर अभियान की चिंता, जनता के दिलों में कमलनाथ, बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भ्रष्टाचार के प्राथमिक तथ्य। भोपाल के गौतम नगर इलाके के ब्रिज विहार कॉलोनी के पानी में मिथाइल आइसोसाइनेट पाए जाने की आशंका, स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग ने पानी के लिए सैंपल, लोगों ने प्रशासन से की शिकायत। ग्वालियर में कल निकाली जाएगी रथ यात्रा, महादेव मंदिर से शुरू होकर छतरी मैदान देवस्थान पर होगा समापन, सीएम शिवराज भी यात्रा में होंगे शामिल। सीएम शिवराज का कल ग्वालियर दौरा, शहर में रहेंगे 7 घंटे, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, विकास कार्यों की भी देंगे समाप्त। ग्वालियर के चाइल्ड वेलफेयर दफ्तर में नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश, परिजनों ने सीडब्ल्यूसी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, नाबालिग की शादी के आरोपों से किया इनकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तेज की चुनाव की तैयारियां, 26 जून से पार्टी शुरू करेगी बूथ चलो अभियान, सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम होंगे शामिल। राजनांदगांव में कांग्रेस संगठन में बदलाव पर बोले मोहन मरकाम, चुनाव का समय है, जरूरत के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, शैलजा का पत्र आया है उस पर कर रहे हैं समीक्षा। संगठन में बदलाव को लेकर आदेश रद्द होने को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, समय पर आदेश होते हैं जारी, जो कार्य विभाजन का होता है आगामी आदेश तक होगा। मोहन मरकाम के पत्र को शैलजा द्वारा निरस्त करने पर रमन सिंह का तंज, बोले अभी तो शुरुआत है, सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। दुर्ग में बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन का निधन, लंबी बीमारी के बाद मौत, रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज, वैशाली नगर के विधायक थे विद्यारतन भसीन। बीजेपी विधायक भसीन के निधन पर रमन सिंह ने जताया दुख, बोले उनके जाने से मेरा व्यक्तिगत नुकसान। रायपुर में संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल, नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन, आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी। नवा रायपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत, 3 लोग हादसे में घायल, घायलों का इलाज जारी। बलरामपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, सड़क हादसे के बाद वाहन से मिला शराब का जखीरा, पुलिस कर रही मामले की जांच। दुर्ग में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, मधुबन नगर की घटना।
रायगढ़ में घरघोड़ा पे कुएं में मिला कंकाल, महीने पुराना बताया जा रहा कंकाल, मामले की जांच करे पुलिस। रायगढ़ में सामने आया बाल विवाह का मामला, जांच के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, शादी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुआ खुलासा। छतरपुर में रिजाइन के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने जारी किया वीडियो, इस्तीफे की बात को किया स्वीकार, सर्वधर्म सभा के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति न मिलने, मौलिक अधिकारों का हनन का लगाया आरोप। दमोह में सेंट जॉन स्कूल के मेन गेट के सामने खड़ी की गई दीवार, पुलिस विभाग के सरकारी आवास निर्माण के लिए खड़ी की गई दीवार, स्कूल का मुख्य गेट हुआ बंद। दमोह में राशन दुकान के सेल्समैन ने की सुसाइड, सुसाइड नोट में कई नामों का जिक्र, परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग। सरगुजा में किसानों को खाद की समस्या से होना पड़ रहा दोचार, सहकारी समितियों में खाद बीज की किल्लत, हड़ताल के चलते कई दिनों से नहीं खुल रही सहकारी समिति। सतना के केंद्रीय जेल से पैरोल पर छूटे कैदियों पर हमला, दो दर्जन नकाबपोश गुंडों ने मचाई दहशत, कई राउंड किए फायर। रीवा के दिगंबर जैन मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी, मौके पर पहुंचे विधायक राजेंद्र शुक्ल, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। सतना के तेलौरा गांव में महिला के साथ मारपीट, पड़ोसी से हुआ विवाद, मामला दर्ज, जांच जारी। सतना के मैयर में दो गुटों में खूनी संघर्ष, एक बुजुर्ग की मौत, 9 लोग घायल, शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद। सूरजपुर में वनकर्मी से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों पर केस दर्ज, आरोपी चल रहे हैं फरार, अतिक्रमण रोकने के दौरान हुआ था विवाद। कोरबा में रंगदारी मांगना युवक को पड़ा महंगा, आरोपी की कार सवार लोगों ने की पिटाई, नशे में था आरोपी। मनेंद्रगढ़ में बिना परमिशन व्यापारी के घर की तलाशी का मामला, कोतवाली पुलिस के खिलाफ एसपी से हुई शिकायत, अभद्रता करने का आरोप। बीजापुर के 13 गांव में दस्त का कहर, 300 लोग इलाज कराने पहुंचे अस्पताल, फरसेगुड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में जगह की कमी, बालक आश्रम में मरीजों का पूरा इलाज। कोरबा में बहू ने सास को मारा चाकू, पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट, गंभीर घायल महिला का इलाज जारी। धमतरी में बठेना वार्ड के लोगों ने किया निकम का घेराव, नारेबाजी और प्रदर्शन, सड़क पानी बिजली की समस्या से परेशान। झाबुआ में टला बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट के चलते यात्री बस में उठा धुआं, जिला अस्पताल के सामने की घटना। खरगोन के कुंदा नदी में मिला शख्स का शव, लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, दस्तावेज से हुई पहचान, ऊन का रहने वाला बताया जा रहा मृतक। निवाड़ी में 6 घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाया ओरछा के जामनी नदी का नया बना पुल, आई दरारें, आवागमन किया गया बंद। छिंदवाड़ा में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत, 2 अन्य युवक घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। कांकेर में गिरी निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार, हादसे में 1 की मौत, 11 मजदूर घायल। कवर्धा के पंडरिया में सहकारी चीनी कारखाना परिसर में बने मकानों में पड़ी दरारें, मकानों को बनाने में गड़बड़ी के आरोप, पीडब्ल्यूडी विभाग और मंत्री से शिकायत। दुर्कोहलियापुरी में लोगों ने किया चक्का जाम, गंदे पानी और साफ सफाई नहीं होने से आक्रोश, चक्का जाम से लगी गाड़ियों की लंबी कतार। सक्ती में पलटी बेकाबू पिकअप, 14 यात्री हुए घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। दरियाबंद में शिकारी गिरफ्तार, जंगल में छुपाकर रखा था भरमार बंदूक, शिकारी के पास मिली 24 बंदी जब्त। धमतरी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, केरेगांव थाना क्षेत्र में हुआ एक्सीडेंट। धमतरी में चोरों ने सूने मकान पर बोला हमला, लाखों का माल किया पार, शादी में शामिल होने गया था परिवार। राजनांदगांव में सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए छात्रों के बीच मची होड़, 9,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्रवेश के लिए किया अप्लाई, सभी कॉलेजों की जारी हुई मेरिट लिस्ट। बलरामपुर के रामपुर के जंगल में 30 से 40 हाथियों के दल ने डाला है डेरा, हाथियों ने बुजुर्ग पर किया हमला, मौत। कोरबा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग की जांच के आदेश, नगर निगम आयुक्त ने दिए आदेश, साडा और नगर निगम द्वारा निर्मित भवनों की होगी जांच। रायगढ़ में होटल में लूटपाट और मारपीट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली थाना इलाके में हुई थी घटना, दोनों आरोपी पहले भी जा चुके हैं जेल। धमतरी में पेड़ के तने से निकली आग, देखते देखते आधा पेड़ राख, रत्ना बांध गांव की घटना।
गरियाबंद में रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते 10 वाहन जब्त, बैन के बाद भी संचालित हो रहा रेत खदान। सूरजपुर में पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली युवक की लाश, आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर का कांकेर घाटी नेशनल पार्क 2 महीने के लिए हो जाएगा बंद, बारिश के चलते 25 जून से होगा बंद, पार्क के अंदर कई गुफाओं के अंदर घुस जाता है पानी। जशपुर के कांसाबेल वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात, 5 घरों को पहुंचाया नुकसान, घर के लोगों ने भागकर बचाई जान। कांकेर में बारिश के बाद सांपों की दहशत, बर्तेभाटा वार्ड के एक घर में घुसा जहरीला नाग, किया गया रेस्क्यू। अंबिकापुर में पटकुरा जंगल में 12 हाथियों के दल ने दी दस्तक, कुटुआ बहर मोहल्ला में एक घर को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग ने मोहल्ले को करवाया खाली। कांकेर के पुलिस ऑफिसर मेस परिसर में घुसा भालू, मची अफरा तफरी, भोजन पानी की तलाश में जंगल से रहवासी क्षेत्रों में पहुंच रहे भालू। कटनी में बेटे ने पेश की अनूठी मिसाल, मां की बनवाई सिलिकॉन की मूर्ति, कोरोना काल में मां को खोने के बाद बनवाई गई मूर्ति। इंदौर में पहली बार लेप्रोस्कोपी से हुआ मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम का इलाज, पेट की बीमारी से जूझ रहा था युवक। लतिया में पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार, पीतांबरा पीठ के किए दर्शन, वनखंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। इंदौर में हुआ नवा अंतर्राष्ट्रीय सोया खाद्य सम्मेलन, एमएसए मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया शुभारंभ, बोले हेल्दी इंडिया बनाने में सोयाबीन की अहम भूमिका। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, सागर संभाग सहित गुना अशोकनगर दतिया भिंड विदिशा रायसेन हरदा में भारी बारिश की आशंका, इंदौर उज्जैन में भी अलर्ट जारी। मंडला में प्री मानसून की एंट्री, सुबह हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ में कम बारिश से खेती किसानी का पिछड़ा काम, प्रदेश में अब तक 87% कम बारिश, मॉनसून की लेट तकलीफी से किसानों को नुकसान। मुंगेली में बारिश, गर्मी से मिली राहत, खेती के काम में जुटे किसान।